माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मीन लग्न में मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह शक्ति सामर्थ्य बल के ग्रह, युद्ध के देवता। मंगल जिसकी कुंडली में पावरफुल होते हैं ऐसे लोग साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। ऐसे लोग अगर पुलिस में जाए तो सफल पुलिस वाले बनते हैं, टॉप ग्रेड के पुलिस वाले, टॉप ग्रेड के अफसर, टॉप ग्रेड के मिलिट्री में जो लोग होते हैं। तो ये सब जो हमारे सैनिक होते हैं, तो ये सब एक टॉप लेवल के जो एकदम बहादुर, जिनके हम देखते हैं बहुत सारे छाती में बहुत सारे मेडल लगे हुए हैं, जिनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, तो इन सब की कुंडली में आपको मंगल बलवान मिलेंगे। और एक सामान्य इंसान की भी जिंदगी में, जो पुलिस में नहीं है, चलो मिलिट्री में नहीं है, पर एक आम आदमी की जिंदगी में भी अगर मंगल बलवान है तो वो जिंदगी के संघर्षों को बहादुरी से सामना करके जिंदगी में आगे आ पाएगा। और अगर मंगल कमजोर होगा तो इंसान विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत इतनी नहीं दिखा पाएगा, वो थोड़ा कमजोर लगेगा, वो उसमें साहस की कमी दिखेगी। तो मंगल जितना बलवान होगा इंसान के जीवन में, साहस हिम्मत ये सब चीज़ों का, उमंग उत्साह जोश ये सब चीज़ों की बढ़ोतरी करेगा। अब अगर हम बात करें मीन लग्न में, तो मीन लग्न में पैसे के मालिक और भाग्य के मालिक, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान मंगल के पास है। तो मीन लग्न में मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। मंगल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका बैंक बैलेंस बताएंगे, वही आपका भविष्य, आपका नसीब, आपकी तकदीर डिसाइड करेंगे। जैसे कि हम कुछ भी होता है तो सबसे पहले बोलते हैं नसीब, नसीब में नहीं था, नसीब ये कितना नसीब वाला है। तो वो जो नसीब लाल किताब में भी यहाँ तक कहा जाता है, हम तो निरंजन ज्योतिष वाले हैं, लेकिन लाल किताब में भी यहाँ तक कहा जाता है कि सबसे पहले नसीब का खाना देखो। तो मंगल को यहाँ पे नसीब का हाउस, भाग्य का हाउस और पैसे का हाउस, वाणी का हाउस, ये इम्पोर्टेंट स्थान उनके पास है। फैमिली का हाउस, ये फैमिली का भी हाउस है। इसके अलावा मंगल के अंतर्गत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी आती है, शनि के साथ साथ मंगल को भी फैक्ट्री लाइन में देखा जाता है। तो इस तरीके से मंगल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे मंगल अगर बलवान होंगे तो पैसे की सिचुएशन अच्छी होगी, नसीब अच्छे होंगे, और अगर मंगल की सिचुएशन खराब होगी तो फाइनेंशियल स्ट्रगल, सेविंग्स में प्रॉब्लम, फैमिली से प्रॉब्लम और नसीब का साथ कम देना जैसे इश्यूज आएंगे। अब हम देखते हैं 12 भावों में मीन लग्न में मंगल कैसा फल देंगे। इस सीरीज में मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक सारे वीडियो बन चुके हैं, मोस्टली राहु केतु के कुछ वीडियो बाकी है, वो भी हम बनाने वाले हैं। और मीन लग्न में पहले गुरु का वीडियो बना चुके हैं, ये मंगल का है। ऐसे सारे अगले ग्रहों के भी अगले वीडियोस में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं मंगल पहले भाव में। देखिए भाग्य स्थान के मालिक लग्न में आए और मित्र का घर है, मीन गुरु का घर है, तो यहाँ पे जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, लेकिन गुस्सा तेज होगा, गुस्से वाला होगा ऐसा इंसान। इसके अलावा पैसे के मालिक लग्न में आए, बोलने में बहुत होशियार होगा, पैसे के मामले में बहुत लकी होगा, पैसे का अरेंजमेंट करना, पैसे कमाना, पैसे में प्रोग्रेस करना, ये सब चीजें इंसान की प्लस होगी। बोलने में होशियारी, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली से फायदा, जैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे दिखेंगे। मंगल की दशा अंतरदशाएं अच्छा रिजल्ट देगी अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो। मंगल दूसरे भाव में, अगर समझिए मंगल यहाँ पे भी बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे स्वग्रही हो जाएगा, यहाँ पे मंगल खुद के घर में आ जाते हैं। तो ऐसा मंगल आपको पैसे के मामले में बहुत लकी बनाएगा, धातु से संबंधी कामों में फायदा कराएंगे मंगल, जमीन से संबंधी चीजों में फायदा होता है, भूमि में से निकलने वाली, जमीन से निकलने वाली चीजों से फायदा होता है, क्योंकि जमीन के ऊपर मंगल का अधिपति है, रियल इस्टेट से फायदा होता है। इसी तरीके से अनेक प्रकार से मंगल इन सब चीजों से उसके रिलेटेड आइटम से भी आपको फायदा दिला सकते हैं। ऐसा मंगल पावरफुल होगा, गुरु की भी पोजिशन अच्छी है, तो घर में सोना चांदी बहुत सारा आपका बसेगा। तो यहाँ का मंगल आपकी वाणी अच्छी रहेगा, आपका चेहरा आकर्षक होगा, यहाँ का मंगल आपको 28वें साल से आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा फायदे देगा, आपका भाग्योदय होगा, भाग्य का भी मालिक है, पैतृक संपत्ति के भी योग बनाएगा, बाप दादा का मकान है, बाप दादा की जागीर है, जमीन है, ये सब योग भी ऐसा मंगल आपकी जिंदगी में बनाएगा। तो यहाँ का मंगल, लेकिन वाणी आपकी स्ट्रांग होगी, दूसरों को हिम्मत देने वाली होगी, एकदम जोशीली वाणी होगी, तो ये सब चीज़ें मंगल की यहाँ पे है, बहुत अच्छी पोजीशन है, इसकी दशांतर दशा में बहुत प्रोग्रेस होगी। दृष्टि की बात करें तो चौथी मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8 पे, चौथी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, तो यहाँ पे इनकी जो दृष्टि है संतान भाव पे है, यहाँ पे नीच की दृष्टि है, तो कुछ संतान के मामले में कुछ उग्रता, कुछ मतभेद यहाँ पे दिख सकते हैं। इसके अलावा जनरली चंद्रमा के बल पे आधार रहेगा। एक दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, तो अष्टम स्थान पे पाप ग्रह की दृष्टि है, तो कुछ ऑब्स्टेकल से आपको सफलताएं मिलती है, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा हेल्थ का इशू है, कुछ छोटा मोटा मतभेद है, और उसके बाद आपको सफलताएं मिलती है, क्योंकि पोजीशन बहुत पावरफुल है। और इसके बाद इनकी दृष्टि 8वीं दृष्टि, खुद के भाग्य स्थान को देख रहे, फॉरेन ट्रैवल में मदद करेंगे, पिता से फायदा, पैतृक संपत्ति से फायदा, यात्राएं, ये सब चीजों में आपको फायदे ही फायदे होंगे। अब अगर हम देखें मंगल को तीसरे भाव में, तो ये मंगल का कारक हाउस है, तीसरा हाउस है साहस का, पराक्रम का हाउस है, और मंगल खुद पराक्रम और साहस के ग्रह है। तो यहाँ पे जब अपने कारक हाउस में मंगल यहाँ पे आते हैं तो इंसान को बहुत साहसी बनाते हैं, बहुत मेहनती बनाते हैं, ऐसा इंसान की हिम्मत बहुत जबरदस्त होती है,
और अपने अपने कठिन मेहनत से, अपने कठिन पुरुषार्थ से इंसान पैसा कमाएगा, अपने हार्डवर्क से अपना नसीब बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे इंसान को मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाके उसका नसीब बनेगा, तब जाके उसके पास अच्छा पैसा बनेगा। तो यहाँ का मंगल आपका हार्डवर्क बढ़ाएगा और उससे अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। इनकी अगर हम एक दृष्टि की बात करें, छठे भाव पे पड़ेगी, तो जैसा कि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है और पाप ग्रह की दृष्टि पाप दृष्टि कही जाती है, तो यहाँ पे छठे भाव की जो दृष्टि है कुछ विरोधी जरूर पैदा करेगी, लेकिन अपने साहस से आप हमेशा उन लोगों से बच सकेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगी, आपको हार्डवर्क के बाद जो रिजल्ट दिलाने हैं वो रिजल्ट ला के देगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपकी दसवें घर के ऊपर, तो यहाँ पे मित्र स्थान गुरु के स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हार्डवर्क से आपका सक्सेस मिलेगा, आपके हार्डवर्क में बढ़ोतरी से आपको सक्सेस मिल पाएगा। अगर हम देखें मंगल को चौथे हाउस में, तो यहाँ का मंगल शत्रु क्षेत्री तो है, बुध के घर में है, लेकिन पोजीशन वाइज हाउस बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए भाग्य हाउस के मालिक है, तो भाग्य हाउस का मालिक होने की वजह से यहाँ पे आपको ये माता से फायदा होगा, प्रॉपर्टी का फायदा होगा, और नसीब से आपको पैतृक संपत्ति का भी योग बन सकता है, माता से धन लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ का मंगल आपको मकान वाहन संबंधी चीजों में लकी बनाएगा, माता के सुख में लकी बनाएगा, लेकिन शत्रु क्षेत्री है, तो कुछ हार्डवर्क कुछ संघर्ष से आपका मकान वाहन का सपना आपका पूरा हो सकता है। इसमें भी मंगल का अंशात्मक रूप से बलवान होना बहुत अच्छी बात है, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हार्डवर्क से आपके ये सब सपना पूरा होगा। और कुंडली मंगलिक कही जाएगी, अगर यहाँ पे मंगल है तो भी मंगलिक है, पहले भाव में मंगल है तो भी मंगलिक है, तो यहाँ पे अगर मंगलिक कहलाएगी तो आपका अगर शादी के लिए देख रहे हो तो सामने वाला पात्र मंगल का तोड़ होना जरूरी होता है। अगर हम देखें तो मंगल यहाँ पे पांचवें घर में, तो यहाँ पे जो है मंगल नीच के हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस में अगर मंगल आते हैं तो ये पोजीशन जरा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। अगर इनका नीच भंग नहीं हो रहा है तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। पैसे के मालिकों के नीच के हुए, भाग्य के मालिकों के नीच के हुए, नसीब साथ नहीं देगा चाहिए वैसे, संतान संबंधी चिंताएं आएंगी। प्रेगनेंसी के टाइम आपको बच्चे के लिए कई बार कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, संतान होने के बाद संतान से मतभेद, संतान सेवा नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है, पैसे की नुकसानियां, पैसा होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग पाना, या तो चाहिए वैसा पैसा आप कमा नहीं पा रहे हो, आपके हाथ में पैसे का पावर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीजें पैसे की अचानक नुकसानियां, पैसा अचानक नुकसान होना, आपके संतान के हाथों आपके धन का नाश होना, ये सब चीजें आपके नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इनका नीच भंग हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है तब इसके उपाय भी आप जरूर ध्यान दीजिए, उपाय करिए ताकि आप इसके नेगेटिव असर को दूर कर सके। सिक्स हाउस में मंगल, मंगल ऐसे तो इस हाउस में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पैसे का मालिकों के मित्र के घर में गए, भाग्य के मालिकों के मित्र के घर में गए, तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये मंगल वरदान साबित होंगे, और ऐसे मंगल वालों के विरोधी कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, भले विरोधी पैदा होंगे लेकिन उनका कुछ ज्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा मंगल एक तरीके से वरदान है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिजनेस वगैरह के लिए सोच रहे तो आपको थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना होगा, और ऐसा मंगल आपके जीवन में, ऐसे मंगल पे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो हेल्थ के इशू यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल में यहाँ का मंगल आपके लिए अच्छा है, आपको थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना होगा, ज्यादा हार्डवर्क से आपको अच्छा भाग्य दे होगा, और नौकरी के मामले में अगर आप देख रहे हो तो ये मंगल आपके लिए सपोर्टिव होगा, नौकरी में आपको अच्छा पैसा दिलाएगा हार्डवर्क से। और मंगल का भाग्योदय जो होता है वो 28 साल के बाद होता है, 28 साल तक आपको पेशेंस रखना होता है, विरोधियों से इंसान की रक्षा करता है। अगर हम देखें यहाँ पे मंगल को सातवें घर में, तो यहाँ पे भी ये मंगली कुंडली हो जाएगी, लेकिन इंसान का भाग्योदय शादी के बाद होगा, शादी के बाद उसके पैसे में प्रोग्रेस होगी, पत्नी से उसे धन लाभ होगा। तीन तरीके से पत्नी से धन लाभ हो सकता है, या तो खुद पैसा लेके आते हैं, या तो उनके पगला इतना लकी होता है कि आपके तुरंत आपको दिख जाता है कि उनके आते ही साल भर में आप पैसे कहाँ पहुंच जाते हैं, या तो तीसरी जो बात होती है पत्नी कुछ जॉब करने वाले होती है या बिजनेस करने वाले होते हैं, जिनसे किसी न किसी रूप में आपको पत्नी से धनागमन पैसे का सोर्स खड़ा होता है, और पत्नी के भाग्य से आपको मदद मिलती है, पत्नी का सपोर्ट मिलता है। लेकिन शत्रु का घर है तो उग्रता भी रहती है मैरिज लाइफ में, मतभेद भी रहता है थोड़ा, लेकिन पत्नी सपोर्टिव रहती है। अगर हम बात करें आठवें घर में, अगर आठवें घर में मंगल आते हैं तो भाग्य के मालिक होके गए, पैसे के मालिक होके गए, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। शुक्र का घर है, ना तो वो सम प्लैनेट के घर में है, ना तो वो बहुत पॉजिटिव है, ना तो वो बहुत नेगेटिव है, लेकिन जनरली पाप ग्रह का आठवें घर में आना इतना अच्छा नहीं है, और वो मारक होके दूसरे और नौवें घर के मालिकों के यहाँ पे आए। तो अगर इस पे शनि राहु केतु का प्रभाव हुआ तो दुर्घटना से ध्यान रखना होगा, और अगर उनका प्रभाव नहीं है तो अच्छी बात है, और जनरली पैसे के मामले में आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके पैसे की नुकसान ही लगेगी, पैसा आपका डूब सकता है। पैसा आप अगर इकट्ठा कर रहे हो तो कहीं भी लगाने से पहले सोच समझ के लगाओ, कई बार आपका नसीब साथ नहीं देगा, ऐसा लगेगा आपको जितना प्रोग्रेस जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से प्रोग्रेस
नहीं होती हुई दिखेगी आपको। तो इन जनरल यहाँ का मंगल कुछ स्ट्रगल बढ़ाने वाला है, तो ऐसे मंगल के आपको उपाय जरूर करने चाहिए। इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी चौथी दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी, उच्च की दृष्टि। यहाँ पे आपको इनकी आपको जो है हार्डवर्क करके, यहाँ पे हार्डवर्क से आपको पैसा बढ़ाएगी, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि और 11वें घर पे लाभ स्थान पे खुद के उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, तो हार्डवर्क से आपको लाभ में बढ़ोतरी करेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी खुद के पैसे के भाव पे, तो कुटुंब से सहयोग और पैसे का कहीं ना कहीं से संघर्ष में भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, वाणी स्ट्रांग बनेगी, पावरफुल बनेगी, वाणी से आप काम निकाल ले जा पाएंगे, ये प्लस भी होगा आपके पास। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो आपकी हार्डवर्क में बढ़ोतरी करेगी, जो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी उसके सामने रिजल्ट उतने नहीं दिखेंगे आपको। तो ये जनरल इसके रिजल्ट्स है, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, इन ओवरऑल में कुछ माइनस है तो प्लस भी है। तो यहाँ ऐसे मंगल है तो इनके उपाय करके नेगेटिविटी कम करनी चाहिए। हम बात करें 9th हाउस की मंगल की, तो अगर 9th हाउस में मंगल है तो बहुत अच्छी पोजिशन है, पैसे के मालिक 9th हाउस में गए। कभी भी पैसे का मालिक 9th हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान का पैसे का काम कभी अटकता नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कैसे लोगों का एक बैंक अकाउंट भगवान के पास बनाया हुआ है, कभी भी उनको जितनी जरूरत पड़ेगी, जरूरत के जितना पैसा उस मोमेंट पे कहीं से भी आ जाएगा, ऐसा ऐसी कुंडली वालों के लाइफ में एक्सपीरियंस रहेगा। अभी बेटी की शादी में उनको 5 लाख चाहिए, कभी उनको कुछ करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उनके पास नहीं है, लेकिन वो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। अगर दूसरे ग्रह भी पावरफुल है तो आपका बैंक बैलेंस भी बहुत स्ट्रांग होगा, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, नसीब साथ देगा, 28वें साल से भाग्योदय होगा, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे। तीसरे घर पे दृष्टि है 7वीं दृष्टि, हार्डवर्क से बहुत फायदा होगा। 12वें घर पे दृष्टि है, फिजूल खर्ची रहेगी, फालतू के एक्सपेंडिचर आते रहेंगे, सोचेंगे उतना बचत नहीं हो पाएगा, मैंने आप जहाँ जहाँ सोचो क्या बचाना है, लेकिन फालतू का खर्चा होता रहेगा, खर्चा ज़्यादा रहेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा यहाँ पे, हार्डवर्क से सफलताएं मिलेंगी। और यहाँ पे जो उनकी 8वीं दृष्टि चौथे भाव के ऊपर, तो कुछ मामूली सा घरेलू जीवन में कुछ कलह पंकज मतभेद यहाँ पे आ सकता है, बहुत ही मामूली, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं समझदारी से। माता के संबंधी कुछ मामूली चिंता यहाँ पे आपको दिख सकती है, उनके स्वास्थ्य की हो सकती है कुछ भी मामूली चिंता। इसके अलावा जनरली यहाँ के मंगल ओवरऑल में आपके लिए एक वरदान साबित होंगे, नसीब साथ देगा, पिता से लाभ होगा, जैसा मैंने बताया पैसे के मामले में अच्छा है, व्यापार कर रहे हो तो मंगल के संबंधी लाइनों से फायदा होगा, तो ओवरऑल में यहाँ का मंगल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर हम बात करें 10वें घर में मंगल की, तो 10वें घर का मंगल कुलदीपक योग बनाता है, यानी ऐसे लड़के, ऐसे परिवार के लड़के लड़की के नाम से पूरा कुटुंब पूरा खानदान पहचाना जाता है। पैसे के मालिकों के 10वें घर में गए, खुद के बिजनेस से बहुत पैसा कमाएगा, अपने भाग्य से आदमी अपनी आजीविका में बिजनेस में पैसा कमाएगा, लेकिन ये योग चालू होगा 28वें साल के बाद। अगर आप इससे पहले देख रहे हो तो चिंता मत करो, अंशात्मक रूप से बलवान होना जरूरी है, जितना पावर बढ़ेगा उतना अच्छा सक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, कुटुंब से भी कुछ लाभ होगा। इस तरीके से ओवरऑल में आपका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होगा, 10 लोगों में बॉटम में आप रहोगे तो मेहनत करके 10 लोगों में टॉप में आ जाओगे, तो यहाँ का मंगल भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। एक दृष्टि इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर, कुछ एंगर, कुछ थोड़ा सा नेचर कुछ हद तक स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रांग नेचर बनेगा, गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो चौथे स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे भी कुछ घरेलू जीवन में छोटा मोटा आपको मतभेद यहाँ पे दिख सकता है। इसके अलावा 5वें भाव के ऊपर दृष्टि होगी, संतान के मामले में भी आपको कुछ मतभेद दिखेंगे, वो मामूली है, बाकी ओवरऑल में 80% यहाँ पे आपको ये मंगल अच्छा ही फल देना है। अब हम बात करें 11वें घर में, तो 11वें घर में अगर मंगल आते हैं तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट पोजिशन है। उच्च का ग्रह मंगल जैसा पाप ग्रह, वो भी उच्च का होगी 11वें स्थान में, प्रॉपर्टी से लाभ, पैसे से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ, जमीन की लाइन से फायदा, भूमि संबंधी किसी भी काम से फायदा, यानी मंगल आपको बहुत फायदा कराएगा, अच्छी इनकम देगा, मंगल की दशांतर दशा बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन नीच की दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, तो कुछ हद तक संतान संबंधी कुछ चिंता यहाँ पे जरूर, आपको छोटे मोटे मतभेद का मामूली ध्यान रखना चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब और पैसे के भाव पे, खुद के घर को देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वाणी भी स्ट्रांग होगी, पैसे के मामले में भी आप लकी बनोगे, कुटुंब से भी आपको यहाँ पे सहयोग, कुटुंब का सुख यहाँ पे दिलाने के लिए मंगल की दृष्टि मदद करेगी। क्रूर ग्रह इनकी दृष्टि नेगेटिव होती है, लेकिन खुद के घर को देख रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी होती है। 7वीं दृष्टि हमने देखी, नीच की दृष्टि होगी यहाँ पे, तो यहाँ की दृष्टि भी आपको संतान संबंधी चिंता कुछ हद तक देती है, पेट के संबंधी प्रॉब्लम्स आपको देती है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव के ऊपर, तो कुछ हद तक कुछ विरोधी जरूर पैदा होंगे, लेकिन आपका रक्षा होगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ तक मानसिक रूप से मेंटली इफेक्ट हो ही जाता है जब हमारे ऐसे छुपे विरोधी पैदा होते हैं, और मामूली थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इन जनरल है, बहुत मामूली है, बाकी मेजरली 90% तक यहाँ का मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा, प्रॉपर्टी देगा, पैसा देगा, फायदा देगा, पैसे के मामले में बहुत भाग्यशाली बनेंगे, शून्य से आप सर्जन करके करोड़पति बन सकते हैं, नसीब से इतना पैसा कमा सकते हैं। और ऐसे में अगर दूसरे 1-2-3 ग्रह और बलवान मिल गए अच्छे, तो शून्य से आपको सर्जन करने से बहुत ऊंचाई तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये होगी मंगल के 11वें घर में चर्चा। अब हम बात करें मंगल की 12वें घर में, यहाँ पे भी मंगल होगा तो कुंडली बनेगी मंगली,
तो यहाँ पे आपको उस तरीके से देख लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें पैसे का मालिक है 12वें घर में, पैसे की बचत कम होगी, अब जितना खर्चा ज़्यादा रहेगा, जितना कमाना चाहते हो उतनी इनकम नहीं कर पाते हैं हम ऐसे में, और बचत कम होती है, स्ट्रगल रहता है, खर्चा बढ़ता है, नसीब चाहिए उतना साथ नहीं देता है। लेकिन हाँ, जन्म स्थान से दूर यात्राएं होंगी, भाग्योदय के लिए आपको दूर प्रदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है, और उस यात्रा से आपको अपनी आजीविका, धंधा पानी, रोजी मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ का मंगल इतना अच्छा तो नहीं है, तो इसमें इसके इनके उपाय जरूर करने चाहिए। इनकी एक दृष्टि की बात करें, तीसरे भाव में बढ़ी हार्डवर्क में बढ़ोतरी होगी, हार्डवर्क से आपका फायदा बढ़ेगा। भाई बहन से मतभेद टालने चाहिए, नहीं तो उनसे मतभेद बढ़ेंगे। सिक्स हाउस के मंगल की दृष्टि, आपको कुछ विरोधी पैदा होंगे, कुछ छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज का ध्यान रखना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। नहीं तो ऐसा मंगल आपको नौकरी अगर आप कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करेगा, नौकरी में आपका मन मुटाव होता रहेगा, आप सोचोगे मुझे करनी नहीं है, मजबूरी में कर रहा हूँ। एक दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी के साथ भी यहाँ पे मतभेद रहेंगे, पत्नी के साथ भी छोटे मोटे मतभेद यहाँ पे मंगल जरूर देंगे। इसके अलावा बुध की पोजीशन स्ट्रांग रही तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हुई मंगल की 12 भावों में चर्चा। ऐसे ही हम अगले वीडियोस में मीन लगने की बाकी के ग्रहों की चर्चा करेंगे। बाकी के सारे मेष लगने से लेकर कुंभ लगने तक की सारी सीरीज बन चुकी है, काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं। हमारे कार्यालय से अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारी फीस ट्रांसफर करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग अपनी कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, आप भी दिखा के समाधान प्राप्त कर सकते हैं।